फपत्जी बार्ड़ेश का पहारा ऑिच्छ बार्डल श्राम थ Алदो भीचकर भारा डल्रु को घाणेखर्ए �ाई जो goal रहमान रहीम मैं मोहम्मद कासम सलोत्री पंचायत से चेयरमैन ग्राम सभा में चुना <जुणा> um. गया हूँ आज से तीन महीने पहले गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बहुत प्रोपगंडे किए जा रहे थे कि यहाँ जो है लोगों को निकाला जा रहा है ये सब सिस्टम वोटों के लिए किया जा रहा था हम गवर्नमेंट के बड़े मशहूर हैं जिस गवर्नमेंट ने हमें फॉरेस्ट राइट कमेटी जो एक्ट है ये लागू किया और गरीब लोग जो जंगल के सहारे गुज़र बसर कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा ये मौका है और हम एज ए चेयरमैन जो है जो भी गरीब लोग हैं उनके लिए अच्छा काम करेंगे जो भी इसके इस एक्ट के अंदर आएंगे उनके लिए हम काम करेंगे और गवर्नमेंट का ख़ास करके हम मशहूर हैं जिन्होंने गरीब आवाम के लिए इतना अच्छा एक्ट लिया है जम्मू कश्मीर के लिए खास गवर्नमेंट के मशहूर हैं ये बोर्ड राजनीति हो रही थी दो महीने पहले यहाँ इलेक्शन में बोल रहे थे लोग आपको निकाला जाएगा आपके डबल बिल्डिंग नहीं बनाई जा रही है लेकिन गवर्नमेंट ने वो करके दिखाया जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी और हम खास करके जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल लोग जो हैं पसमंदा हैं और हम इसके लिए बड़े मशहूर हैं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट देखें गवर्नमेंट ये जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है इस गवर्नमेंट का एम ही है कि आखिरी वक्ती तक इंसाफ पहुँचाना किसी पे जुल्म ना हो इसके लिए गवर्नमेंट बनी है गरीब आदमियों की गरीब की परवरिश के लिए गवर्नमेंट बनी है तो गवर्नमेंट ने ये जो फॉरेस्ट या स्टेट लैंड पे जो लोग रह के अपना गुजारा करते थे उनके लिए एक्ट बनाया है ये कांग्रेस और दूसरी जो पार्टियां हैं ये लोगों को प्रोपगंडा करके भगाती थी झूठ बोलना उनका काम है कि आपको जंगलात से आपकी आपकी ज़मीन है अगर वोट हमें नहीं दोगे तो ये निकाल देंगे हम आपको रोकेंगे वो कहाँ से रोक सकते हैं जब भारतीय जनता पार्टी की फुल मेजॉरिटी वाली हुकूमत दिल्ली में बनी है तो जो हुकूमत करती है वही होता है तो ये पहले से ही कानून गवर्नमेंट ने बना के रखा था जो आज इम्प्लीमेंट हुआ है जिसके तहत हर पंचायत में दस या पंद्रह आदमियों की कमेटी बनी है उसका एक चेयरमैन है और फॉरेस्ट के जो राइट्स हैं जहाँ किसी का मकान है 2005 में बना था तो वो उसको अपने मकान में उसको मालखाना हकूक़ दिए जाएंगे तो उसके लिए ये कमेटी बनी है कमेटी जो रिकमेंड करके देगी वही गवर्नमेंट करेगी तो उनको भी चाहिए कि वो लोगों के साथ एक जैसा ये नहीं कि किसी ने वोट उनको दिया तो उसका साथ देंगे नहीं दिया तो उसका साथ नहीं दें सब लोगों के साथ इंसाफ के साथ जो जो लोग जहाँ बैठे हैं उनकी फाइल बनवाएं तो उनकी ताकि उनको मलकाना हकूक़ उनके ये जो डर गम उनके दिल में था तो वो ख़त्म हो गया है ये इलेक्शन के बाद ही डीडीसी डी इलेक्शन के बाद ही गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया है हर पंचायत से कमेटी बनाने के लिए और वो गांव की जो और वो कमेटी कौन बनाता है गहूँ की ग्राम सभा ग्राम सभा में कोई भी लीडर पंच सरपंच या उनका रोल नहीं है बिलाशक वो अपना रोल अदा करते हैं जो गांव के लोग हैं वो 50 परसेंट से ज़्यादा ग्राम सभा में बैठ के फ़ैसला करें कि ये आदमी ईमानदार आदमी है ये किसी के साथ तहसब मतस्वी तस्वीर नहीं करता है ऐसे आदमी को चुन के लाया जाए और उसी जिमन में आ ये जो सलोत्री में जो फंक्शन हो रहा है ये हमारे कासम साहब इसके चेयरमैन बने हैं और हमारे ये सेक्रेटरी मुश्ताक साहब बने हैं और ये सरपंच साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं और सारी पब्लिक यहाँ सारे लोग गांव के मौजूद हैं और इन लोगों को इस बात की बड़ी खुशी है कि गवर्नमेंट के इस एक्शन जो गवर्नमेंट ने किया है इसको वेलकम करते हैं कि गरीब पब्लिक के लिए जो गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है इस, इस कानून का वेलकम करते हैं कि लोग गरीब लोगों की बेहतरी के लिए बनाया है ताकि वो कहीं बड़े बड़े अफ़सरों में जाके या दूसरी जगह जाके गाँव में नहीं ये शहरों में या स्टेट में जाके नहीं घूमेंगे वो अपना गाँव का फैसला अपनी ग्राम सभा में करेंगे बैठ के इस चेयरमैन की मौजूदगी में तो इसलिए लोगों को बड़ी खुशी है कि ये गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट जो भी है ये हमारे लिए बेहतर कर रही है ये खाली प्रोवगंडे थे और वो प्रोवगंडे आज वो उस कमेटी में बनने के लिए लड़ रहे हैं कि नहीं ज़बरदस्ती हमारे आदमी बनाए दें जबकि पहले वो कहते थे, थे कि ये गवर्नमेंट यहाँ से आपको निकाल के पता नहीं कहाँ ले जाएगी तो ये लोगों की बेहतरी के लिए है जो भी गवर्नमेंट कानून बनाती है वो लोगों की बेहतरी के लिए है